हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपको क्लास सेवन्थ के चैप्टर सेवन्थ के एक्सरसाइज सेवन्थ ए के नेक्स्ट सवाल कराएंगे। नेक्स्ट सवाल है आपके सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ। देखिए इसका सिक्स सवाल क्या है। सिक्स सवाल है इसका, पांच मजदूरों की मजदूरी है 1250 रुपये, आठ मजदूरों की मजदूरी कितनी मजदूरी चाहिए। देखिए सवाल क्या है, पांच मजदूरों की मजदूरी है। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर छह लिख दिया है, पांच की है। पांच मजदूरों की मजदूरी कितनी है, 1250 रुपये है। आठ मजदूरों की मजदूरी निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे इस सवाल को, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, सवाल करने बता भी दिए कि इन सवालों को किस तरीके से करते हैं। देखिए पांच मजदूरों की मजदूरी दे रखी, इसने 1250 रुपये, आठ मजदूरों की मजदूरी निकालनी है। पांच मजदूरों की मजदूरी है, आठ मजदूरों की मजदूरी निकालनी है। देखिए कैसे करना है, पांच की मजदूरी कितनी है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। पांच की कितनी है, 1250 रुपये। एक की कितनी आएगी, 1250 / 5 रुपये, समझ आई बात। और आठ की कितनी आएगी, आठ की मजदूरी आएगी 1250 / 5 × 8। पांच से इसको काटो, 5 × 10, 2 × 5 = 25, 0 और 25 सट्टे कितने लेंगे, 200, तो ये कितने लेंगे, 2000 रुपये। कितनी हो जाएगी, 2000 रुपये। आठ मजदूरी की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 2000 रुपये, यही इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी होगी, 2000 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है आपका सेवन सवाल है, चार गेंदे तीन कलम का मूल्य है 12 रुपये। चार गेंदे तीन कलम का मूल्य है 12 रुपये, तो छह गेंद और छह कलम का मूल्य बताना है। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, चार गेंदे तीन कलम का मूल्य कितना है 12 रुपये, छह गेंद और छह कलम का मूल्य बताना है। देखिए देख लेते हैं इस सवाल को, मान लेते हैं, माना क्या, ये दिया हुआ ही है इसमें, चार गेंद का मूल्य कितना होगा, चार गेंद का मूल्य होगा आपका 12 रुपये और तीन कलम का मूल्य भी कितना होगा, याद दिया होगा ना इसने, तीन कलम का मूल्य भी कितना होगा, 12 रुपये, समझ आई बात। अब निकालेंगे हम यहां से एक गेंद का मूल्य है, तो एक गेंद का मूल्य क्या होगा, एक गेंद का मूल्य कितना होगा, 12 / 4 रुपये, यानी कि 4 × 3 = 12 रुपये। एक गेंद का मूल्य होगा आपका 3 रुपये। निकालेंगे कितने का, छह गेंद का मूल्य निकालना है, तो छह गेंद का मूल्य कितना होगा, 6 × 3 = 18 रुपये। छह गेंद का मूल्य कितना होगा, 18 रुपये। छह गेंद का मूल्य कितना है हमारे पास, 18 रुपये। अब निकालेंगे तीन कलम का मूल्य, तो तीन कलम का मूल्य कितना है, 12 रुपये। एक कलम का मूल्य कितना होगा, 12 रुपये है, तो 12 / 3 यानी कि 4 रुपये, समझिए बात। अब निकालेंगे छह कलम का मूल्य, तो छह कलम का मूल्य कितना होगा, 24 रुपये, 6 × 24 मल्टीप्लाई देगी 24 रुपये। अब यहां से बात आती है, छह गेंद और छह कलम का मूल्य हमको निकालना है, तो छह गेंद कितनी है, छह गेंदों का मूल्य कितना है, 18 रुपये, और छह कलम का मूल्य कितना है, 24 रुपये। तो छह गेंद और छह कलम का मूल्य है, छह गेंद और छह कलम का मूल्य कितना होगा, 18 + 24, 18 + 24 कितना हो गया, 42 रुपये। कितना होगा, 42 रुपये होगा, समझ आई बात। कितने रुपये होगा, 24 और 8 = 32 और 10 = 42 रुपये होगा, यही इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, सेवन सवाल कंप्लीट है, चलते हैं एट सवाल की ओर। चलिए देखते हैं आठवां सवाल, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, इसी प्रकार 2 × 10³ पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को, 5 मिनट में 200 पन्ने, 5 मिनट में कितने छापे, 200 छापे, 200 पन्ने, 5 मिनट में 200 पन्ने छापे। अब निकालना कितना है आपको, 2 × 10³ पन्नों को छापने के लिए कितना समय लगेगा। तो हम निकालेंगे एक पन्ना कितने मिनट में छपेगा, एक पन्ना छपेगा आपका 5/200 मिनट में, 5/200 मिनट में एक पन्ना छपा। निकालना कितना है, 2 × 10³ पन्नों को छापने में। देखिए सवाल आपको नीचे मिल जाएगा स्क्रीन पर, घबरा नहीं आप, 2 × 10³, 2 × 10³ पन्ने छापने में समय लगेगा 5/200 × 10³। इस 10³ को लिख लेते हैं हम 1000। ठीक है फ्रेंड्स, 10³ कितना होगा, 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ठीक है, इस 2 से 2 कटेगा और 10 पंजे कितने हो जाएंगे, 50 मिनट, 50 मिनट लगेंगे 2 × 10³ पन्ने छापने में। कितने आया, 50 मिनट, यही इसका आंसर होगा। आठवां सवाल कंप्लीट है, एक बार देख सकते हैं सवाल आपको, सवाल आप चलते हैं नाइन्थ सवाल की ओर। देख लेते हैं, नाइन्थ सवाल है, एक परिवार के 4 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर
36 किलोग्राम गेहूं मिलता है, 3 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा? चलिए देख लेते हैं इस सवाल को। 4 सही 1/2 यूनिट पर 36 किलोग्राम है, 4 दुनिया 8 और 1 9/2 हो गया, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी ऐड होगा, तो 9/2 यूनिट पर कितना होगा? 36 किलोग्राम। 3 सही 1/2 यूनिट पर निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, 2 3 6 और 1 कितना जाएगा? 7/2 यूनिट। कितना निकालना है हमको? 7/2 यूनिट पर कितना गेहूं मिलेगा ये निकालना है हमको। पहले निकालेंगे यहां से 1 यूनिट पर कितना गेहूं मिलेगा, तो यहाँ पर 9/2 है तो 1 यूनिट पर निकालेंगे, तो ये 2 है यहाँ पर डिवाइड में, तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और इससे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो क्या होगा 1 यूनिट पर कितना निकलेगा? 1 यूनिट पर कितना मिलेगा हमको? 1 यूनिट पर मिलेगा 36 × 2/9, 9 से कटेगा 4 बार, 4 दूनी कितना होगा? 8 किलोग्राम। 1 यूनिट पर कितना मिलेगा? 8 किलोग्राम मिलेगा, तो 7/2 यूनिट पर कितना मिलेगा? 8 × 7/2, 2 से काटो से 4 बार और 4 7 कितना हो जाएगा? 28 किलोग्राम मिलेगा, यही इसका आंसर होगा। देखिए सवाल समझ आ गया होगा आपको, चलते हैं 10th सवाल की ओर। चलिए देख लेते हैं 10th सवाल और ये इस एक्सरसाइज के लास्ट सवाल है। सवाल क्या है? सवाल ये आपका, एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी? खंभे को पार करने में समय निकालना है, तो समय खंभा, जब ये खंभा है तो हमारे पास क्या चलेगा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी क्या होगी? दूरी हमारे पास 315 यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई, ये खुद अपनी लंबाई को ही तो पार करेगी। रेलगाड़ी कितनी लंबी है? 315 मीटर लंबी है, तो ये रेलगाड़ी खुद अपनी लंबाई को पार करेगी और ये क्या हो जाएगा, ये खंभा पार हो जाएगा। अगर अपने उसने लंबाई पार कर दी क्या हो जाएगा, खंभा पार हो जाएगा, तो दूरी क्या होगी जो रेलगाड़ी की लंबाई दी हो, ये रेलगाड़ी की लंबाई ही इसकी दूरी होगी, कभी आप गड़बड़ कर जाओ, समझ आई? चलिए चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी निकालनी है, लंबाई 315 मीटर है, इस चाल को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कितना है? 54 किलोमीटर है, किलोमीटर है, मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई, 1000 से 1000, और घंटे हैं, घंटे को सेकंड में बनाने के लिए 3600 से डिवाइड, ठीक है, 2 0 से 2 0 गई, 18 से कटेगा, 18 2 36 और 18 3 54, 2 से कटेगा 5 बार और 5 3 कितना जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड। चाल कितनी है इसकी? 15 मीटर पर सेकंड। दूरी निकालनी है तो चाल का फॉर्मूला बता दिया आप मुझे, मैंने आपको पहले बता भी दिया है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमारे पास? 315, 315 और समय कितना है हमारे पास? 15, तो 15 से काटो से 15 2 30, 1 बजेगा 15 1 15, तो कितना समय लगेगा? 21 सेकेंड का समय लगेगा। अब आप ये मत कहने लगना कि ये 21 घंटे क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में चाल कन्वर्ट कर ली है और ये 315 मीटर है, तो आंसर भी किसमें आएगा? सेकंड में आएगा, घंटे में नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 10th सवाल था आपका, ये 10वां सवाल भी आपका कंप्लीट है, ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कल आपको इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 7th B कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल। थैंक।